अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैर से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फिजिक्स के हवाले से। फर्स्ट ईयर का जो पेपर होने जा रहा है उसके वाले से आप बताएंगे, इंशाल्लाह इन्हीं में से आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं हम जी स्टूडेंट्स, जो हमारे पास बहुत ही हमने काम निकाले हैं और मोस्ट फेमस है, इंशाल्लाह इन्हीं में से आप लोगों को आ जाएंगे। इनमें पहले हमारे पास है एक्सप्लेन वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके डायग्राम के साथ जो ग्राफिकली वो बनानी जरूरी होती है। डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट एंड राइट इट्स करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एंड राइट इट्स करेक्टरिस्टिक्स, ये भी दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आगे डिफाइन टॉर्क एंड कैलकुलेट टॉर्क ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टेट द एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसके बाद है डिफाइन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, एक्सप्लेन इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन डेफिनेशन है, और उसके अलावा हमारे पास एक्सप्रेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये तीन इसके जो है एक्सप्रेशन है जो आपने मतलब एक्सप्लेन करने होते हैं। इनमें से कोई भी आप दो आ सकते हैं, ठीक है, कोई एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो तीन तरीकों से पूछा जाता है। यह पूछता है कि प्रूव डैट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, या शो डैट वर्क इज डन इज ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो, या व्हाट इज ठीक कंजर्वेशन फील्ड, या शो डैट मतलब शो डैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। ये तीन तरीकों से एक ही सवाल है, यानी अगर आप एक सवाल को याद करते हो ये तीन तरीकों से पूछ सकता है, जवाब एक ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एंड ड्राइव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद है एक्सप्लेन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, इसके सोर्सेज सारे आपने एक्सप्लेन करने होते हैं। डिफाइन एंगुलर मोमेंटम, हाउ कैन वी रिलेट विद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये आपने इसके साथ एक्सप्लेन करना है इसको। एक्सप्लेन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, फाइंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हुप, आल्सो प्रूव दैट वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज ग्रेटर देन हुप। व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ड्राइव द रिलेशन फॉर रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द रियल एंड अपेरेंट वेट, फाइंड द अपेरेंट वेट इन डिफरेंट केसेस फॉर एन ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड इन स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बैलेंस इन एलिवेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टेट एंड ड्राइव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1V1 A2V2। उसके बाद स्टेट द ड्राइव बर्नौली इक्वेशंस ऑफ आर आइडियल फ्लूइड एंड एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन, ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, इनमें से कोई एक आ सकता है या दोनों भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन टू स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एंड शो Cp-Cv इज इक्वल टू R, ये प्रूव भी साथ है। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट है ये व्हाट इज कार्नट इंजन एंड कार्नट थ्योरम, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, कैलकुलेट इट्स एफिशिएंसी। जी स्टूडेंट्स, ये थे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन जिसको आपने करना है। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।